अभी साल भी का, लेट हो रहा हूँ सेट पे पहुंचने के लिए, लेकिन मैं का इंटरव्यू दे रहा हूँ। या तो चले ओके। पहला क्रश? पहला ओ पहला क्रश स्कूल टीचर ही होती ना, ओके। देखे वो मेरी क्या क्या नाम, KG 3 कौन सी क्लास थी, तो मेरी टीचर मेरी इतने वही थी छोटे अकेली। से? हाँ हाँ तो अच्छा। वो बड़ी मेरी ख्याल से छोटी थी वो, उम्र में भी बेचारी। तो मैं कहता था ये टीचर बहुत प्यारी है, मुझे अच्छी लगती है, ये मैं नहीं से पढ़ूंगा जिंदगी भर, ये कहता था उस टाइम पे। अच्छा, फिर वो जवानी वाला क्रश कब हुआ? जवानी वाला क्रश। तो और क्या मैं बताया जरा लेट हो जाके? रहा हूँ, मैं नहीं जरा नहीं गाड़ी हम नहीं जा जा सकते यहाँ से, बता के जाना पहला पड़ेगा। क्रश याद है? याद तो होगा, मतलब बताया था उनको या नहीं बताया, नहीं या नहीं बस मैं दिल नहीं दिल में? शाय, मैं बहुत शाय हूँ। सीरियसली? आई कैन नेवर एक्सप्रेस, हाँ आई एम टू पैराटिक, ओके। मैं बेहोश हो जाऊंगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा। सो अगर कोई लड़की आई पसंद आएगी तो यू विल नॉट नेवर विल अप्रोच, नेवर तो फिर अप्रोच। बात कैसे आगे बढ़ेगी? गिटार है ना ओके स्टोरी लगा ये दूंगा सोच ले, ये भी सवाल आ रहा है। अच्छा, मैं अगर कोई लड़की आपको अप्रोच करे तो फिर क्या जी, करेंगे आप? फिर मैं कहता हूँ हालत खराब होगी या यू विल बी लाइक चलो मेरा नहीं, काम आसान हुआ? अब मुझे ना वो हो गया, मेरे पास कोई आता ही नहीं, सबको ऐसा लगता है मैं बहुत रूड हूँ रियली? तो इस कोई नहीं आता इंटरव्यू के मेरे बाद तो सबको पास पता चल जाएगा यू आर नॉट रूड एट ऑल। सो दैट्स एक लोगों ने समझा हुआ है, जो भी मेरे स्कूल में भी था, सब समझते बहुत रूड है यार, बहुत हाँ बदतमीज से। मैं कहता हूँ यार मैं मुझसे मुझसे बात नहीं होती, मैं शर्माता हूँ बहुत हूँ, तो इसलिए फिर कोई आता ही नहीं था बताने के लिए। ओके। व्हाट इम्प्रेसेस यू इन अ गर्ल? इम्प्रेसेस मी द गर्ल, वाह नेवर थॉट अबाउट इट, बट आई वुड से कि बात करने की जो है ना वो ढंग होना चाहिए, लाइक क्या कहना चाहिए, किसके सामने किस तरह बात करनी चाहिए। एंड सेकेंडली प्रॉब्ली आई वुड से इंटरेस्टिंग सेंस, एंड या दैट्स इट, मिलते हैं तो सबसे पहले क्या चीज़ नोट करते हैं? मैं आंखें आंखें? देखता आंखें? हूँ, सी दी आईज, ओके। हाँ, मेरी तो बहुत छोटी सी हैं कलर्ड आइज पसंद है आंखें या नहीं? बस आंखें अच्छी होनी चाहिए। अच्छी होनी चाहिए, कलर्ड हूँ क्या फर्क पड़ता है। तो अगर किसी लड़की को इम्प्रेस करना हो तो क्या हाँ गाना गा के उसे इम्प्रेस करेंगे? कौन सा गाना गाएंगे? हाँ कौन सा गाना गाऊंगा मैं उसके लिए, ये अच्छा सवाल है आपका। अच्छा गाना कौन सा होगा, कभी मैंने सोचा ही नहीं इस तरह की चीज़। अच्छा, अपना गाना मतलब मैं गा नहीं नहीं दूंगा। नहीं रुके रुके, अब आप ये सोचते हैं वो बंदा जो इंटरव्यूज ही प्लान कर रहा है और सिचुएशंस लिख रहा है, कह रहे मैंने कभी सोचा नहीं, ऐसा कैसे हो मैं सकता करियर है? ओरिएंटेड आदमी मुझे तो लग, हूँ हाँ हाँ मैं हाँ करियर के बारे में ज्यादा सोचता इतने हूँ, ये जो बोरिंग नहीं चीजें हो हो सकते समर जाएंगी आप? मैं बहुत नहीं, आई बोर डोंट थिंक, मुझे लगता है दो तीन सिचुएशंस तो आपने सोच के रखी होंगी कि ये वाली सिचुएशन में ये गा सकता हूँ। हूँ सिचुएशन के हिसाब से ना। हाँ अब लड़की को इम्प्रेस करने के लिए मैं कौन सा गाना गाऊंगा, कोई भी गाना गाता हूँ इनफैक्ट, मैं जो ज्यादा ओके, अच्छी जिसमें मेरी आवाज होगी, जिसमें आवाज़ अच्छी जिसमें मैं होगी, अच्छा गा लूंगा, तो मैं फौरन से कर दूंगा, नॉट ठीक जस्ट है। बिकॉज कि उस पर हो, हाँ लेकिन अच्छा गाना होना चाहिए। तो ओके ओके। यस तो अभी भी नहीं आया कॉन्फिडेंस, या अभी भी इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके किसी को अप्रोच कर सके? नो, आई एम वेरी बैड एट इंट्रैक्टिंग विद द ऑपोजिट जेंडर, वेरी बैड एट इट, आई कैन नॉट, मेरी तो फिर क्या एक्सपेक्ट मुझसे करें, बात आगे कैसे बढ़ेगी? कोई लड़की पसंद आ गई तो देखिए नसीब में हुआ तो हो जाएगा जो भी होना शरीफ आदमी मैं ये तो ये अब सही एक्टिंग हो रही है सर, ये शरीफ आदमी पे मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, नहीं लेट मी रीफ्रेस। ये जो अभी हो रहा है ना, ये अच्छी एक्टिंग कर रही है साइड एक्चुअली से निकल एक्चुअली के। मेरे दोस्त वगैरह भी जो हैं स्कूल लाइफ में भी जो भी मेरे साथ रहे, किसी ने कभी भी मुझे किसी के साथ नहीं देखा इस तरह कोई भी। मतलब यू आर सो सर गुड एट हाइडिंग इट। मे बी आई एम गुड एट हाइडिंग इट, या सी सेकेंडली आई डोंट अप्रोच, या मैं कभी भी कर नहीं पाता, कोई करता भी है ना तो मैं भाग जाता हूँ, मैं ओहो। बहुत शर्माता हूँ इन चीज़ों में। यस आई एम वेरी शाय, ओके। और फर्स्ट या हार्ट ब्रेक, जब किसी को पसंद किया बताया नहीं, वो किसी और के साथ चली गई, तो क्या हुआ? कितना रोए थे? आखिर कौन सा म्यूजिक आपने बजाया और क्या गाना उससे निकाला? दुखे मन मेरे सुन मेरा कहना, जहाँ नहीं चैना वहाँ नहीं रहना वाली बात थी। निकल गए फिर आप उस शहर से, फिर मैं निकल गया उस शहर से, उस आपके स्कूल लिए से, उस स्कूल से, उस गली से निकल उस गया गली आपके से लिए। निकल गए आप। हाँ नहीं बट यार बड़ा मेजर हार्ट ब्रेक था वो, मैं डिटेल ही दूंगा उसकी तो, लेकिन हाँ वो हुआ था बैक व्हेन आई वाज इन, मेरी एक जो है ना वो शुरू से मुझे एक पसंद थी सही, तो बट वो नहीं हुआ फिर, हाँ दैट्स फाइन कोई बात नहीं, हाँ, अब चलो ट्राई करके देखें अब अब तो मैं आप। क्या करूँ उसको ट्राई करके अब तो। ओके चलिए, हम इस पे ऑफ द कैमरा बात करेंगे। अरे अच्छा चलिए, ये सिचुएशनशिप क्या होती है भाई, मुझे ये बताएं। जेन जी बहुत यूज़ करती है ये वर्ड। सिचुएशनशिप मुझे भी अभी रिसेंटली पता लगा है कि सिचुएशनशिप क्या होती है, तो
उसमें ये है, जहाँ तक मुझे इल्म है कि आपको लगता है कि आप किसी को पसंद करते हैं और आपको ये भी लगता है कि वो आपको पसंद करता है, लेकिन वो आपको पसंद नहीं करता, आप ही सिर्फ उसको पसंद करते हो। ओ ये है, आई अच्छा गेस जहाँ तक मुझे इल्म है इस ये नहीं चीज़ है का। कि दो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं एंड दे आर जस्ट यू नो गेटिंग अलोंग बट नॉट कमिटिंग टू इट, वही वाली बात कमिटमेंट है ना, नहीं कर एक को रहे, लगता है कि वो पसंद करता है ओके उसको विदाउट और दूसरा एनी लगता है कमिटमेंट विदाउट एनी थिंग्स आर गोइंग कमिटमेंट। ऑन. तो या ये क्या अच्छी बात है, बुरी बात है, कमिटमेंट से फियर है, वाई इज इट? नो क्या है ये, बट हाँ कमिटमेंट से फेयर है आई वुड से। यू नो एवरीबडी इज इन अ डिनाइल कि यार पता नहीं मैं इसको पसंद करता हूँ करती हूँ या नहीं हूँ, तो वो उस डिनाइल के अंदर ही जो है ना वो आप एक बिलावजह बंदे को जो है वो साथ लेके घूम रहे हैं, तो गलत बात ओके है, नहीं करना चाहिए जाती ओके है। अच्छा आप लोगों की जनरेशन में अक्सर ये देखती हूँ कमिटमेंट का फियर है. व्हाट इज़ कमिटमेंट फॉर यू गाइस, पहली बात तो ये, और ये फियर क्यों है कमिटमेंट का, क्यों भागते हैं आप लोग इससे? क्यों भागते हैं, बट अब क्या है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा जो है वो खुल गई हैं सबके सामने, सोशल मीडिया है, सारी चीज़ें हैं, तो मुझे तो डर लगता है ऑनेस्टली। आई एम वेरी स्केयर्ड ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप अभी तो, अब मुझे रियली बहुत ही क्यों? खौफ आता है। यूँ इसलिए है क्योंकि बस पता नहीं क्यों है, प्रॉबली स्केयर ऑफ द हार्ट ब्रेक, यू वुड से एवरीबडी इनफैक्ट सबको ये डर लगता है ना कि यार पता नहीं दिल ना टूट जाए मेरा। तो मेरे ख्याल से उसी वजह से एवरीबडी इज स्केयर्ड ऑफ इट। एंड सेकेंडली उम्र ही क्या है अभी हम सबकी, हम 20 ईयर्स ओल्ड, मेरे साथ के जितने भी हैं वो सब 19 19 से 18 18 साल के हैं, अभी तो इतनी सारी चीज़ें सबने देखनी है, इन कामों में पड़ जाएंगे फिर बाकी काम होने ही नहीं आपसे, बिल्कुल सही बात कह रहे ऐसा हैं आप. है। हाँ तो यार बट मैं उस एंगल की बात नहीं कर रही थी. जनरली जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो मुझे लगता है कि वो फियर ऑफ़ शादी भी है, फियर ऑफ़ कमिटमेंट भी है. आप एक डिफरेंट पॉइंट बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं इस पॉइंट पे, अपनी एज ग्रुप हाँ के अपने, उसके या हिसाब से मैं तो बता रहा हूँ। उसमें भी मुझे ये लग रहा होता है कि आपकी एज ग्रुप की बात करूँ, कि मुझे लगता है जनरली शादी का बड़ा नेगेटिव सा इंप्रेशन आप लोगों के जहन में, विच आई, अच्छी चीज़ें भी तो होती हैं रिलेशनशिप्स में, नहीं वो, इसलिए मैं पूछ रही थी कि व्हाट इज़ कमिटमेंट इन योर जहन में, कमिटमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं आप? कमिटमेंट को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, कमिटमेंट एक ऐसी चीज़ है जो दो लोगों के बीच का एक रिश्ता है, ठीक है, जो उन्होंने निभाना है। एंड आई बिलीव कमिटमेंट आप सिर्फ उसी शर्त पे करें जब व्हेन यू नो कि यार आपके आपकी ऐसी सिचुएशन है जहाँ अगर एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी में मज़ीद आए तो आप उसका ख्याल रख सकें, सही है, आप इतने स्टेबल हो फाइनेंशियली भी और मेंटली भी कि आप एक बंदे के दर्द दुख और सारी चीज़ें समझ सकें। एंड सेम गोज़ विद योर पेरेंट्स एज़ वेल, दे अंडरस्टैंड कि अच्छा ठीक है हमारा बच्चा जो है वो इतने काबिल हो गया है कि वो एक अलग रिश्ता ला के उसको देख सकता है और उसकी ज़िम्मेदारी निभा सकता है। आई बिलीव कमिटमेंट यही मेरी नज़र में है कि आप इतने इस काबिल हों कि आप दूसरे बंदे को एक्सेप्ट कर सकें अपनी लाइफ में। यस क्या चीज़ें हैं कुछ जेन ज़ी की जो आपको लगता है बड़े जो हैं वो अज्यूम कर रहे हैं और आपको बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है कि यार हम ऐसे नहीं हैं, फिर भी क्यों समझ रहे हैं आप हमारे बारे में ऐसा, मेरे ख्याल कोई है एक से दो चीज़ें? हाँ आई थिंक चूंकि अब सोशल मीडिया का दौर है, अब आप किसी को भी देख लेना, कोई भी नई जनरेशन आएगी वो आपसे ज़्यादा ही अक्लमंद होगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से जेन अल्फा है क्या है जो नेक्स्ट आ रही है, मैं अभी जेन ज़ी तो पे हूँ. हाँ जेन जी है, अब वो बच्चे हैं सारे, अब उनको हमसे ज़्यादा चीज़ें पता है, तो आप कभी भी ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि यार नहीं मुझे इनसे ज़्यादा पता है। जाहिर आपने ज़िंदगी ज़्यादा एक्सपीरियंसेस ली हैं, बट एट द सेम टाइम अबाउट टेक्नोलॉजी एंड अबाउट द करंट थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड योर कंट्री एंड योर प्लेस, आई बिलीव उनको ज़्यादा पता है।